संघ के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया है और इस वक्त हम उसी चुनावी कार्यालय पर मौजूद हैं। यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर दो मंत्री आपको एक साथ दिखाई देंगे, एक शाहिद मंजूर और एक हाजी याकूब कुरैशी। हम हाजी याकूब कुरैशी से भी बात करेंगे और मंत्री शाहिद मंजूर से भी बात करेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है, किस तरीके की तैयारी है। चूँकि अब चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है इसीलिए इस वक्त लड़ाई बिल्कुल कांटे की होगी और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से बात की जाए, मंत्री जी से बात की जाए। शाहिद मंजूर हमारे साथ हैं। मंजूर जी, कैसा मुकाबला लग रहा है? चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो गया, कैसा मुकाबला है? 10 साल का हिसाब देने के लिए सांसद जी कहीं मिल नहीं रहे, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। तो आप जीतने वाला महागठबंधन इंशाल्लाह? मेरठ की सीट का क्या हिसाब है? मेरठ की सीट एक साइड हो जाओ, अब वक्त बदलाएगा रिकॉर्ड का। क्या बूथ स्तर पर आपकी तैयारी है मजबूत? तीनों पार्टियों की इतनी मजबूत है, पहले अकेले अकेले थे, तीनों एक साथ। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन क्या कुछ स्थिति है, क्या लग रहा है? नेता बनाने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हमें बनाने वाले समाजवादी पार्टी के रहनुमा माननीय शाहिद मंजूर साहब और हमारे समाजवादी पार्टी के शहर के विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब और हमारे जिले के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के चौधरी राजपाल जी और हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सभी मौजूद हैं। महानगर के अध्यक्ष चौधरी आदिल साहब न मौजूद रहे और भारी तादाद में जनता को जो खुशी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जा रही है, खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो जनता जान चुकी और इसी मौके पर जनता की खुशी देखते हुए हमारा भी दिल बाग बाग हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली 11 तारीख को हर जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हाथी का बटन दबाएंगे, गठबंधन के प्रत्याशी मुझे जिताएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी आए थे आज मेरठ और एक तरीके का माहौल बनाकर गए, क्या लगता है आपको, क्या कितना प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई है वो हजारों में थी, फ्लॉप हो गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी फूट है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को ही खत्म किया है और ये जनता उनको खत्म करने जा रही है, उसका प्रभाव इनकी रैली का और नरेंद्र मोदी जी का कोई प्रभाव इस मेरठ के अब पांच विधान लोकसभा सीट पे लोग बुलाए थे जब भी वहाँ जनता नहीं पहुँची। अच्छा, एक चीज़ और आपके साथ देख रहा हूँ, ज़्यादा समर्थन दिखाई दे रहा है, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है ये सब जो भीड़ है ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? सब वोटर हैं, सपोर्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इतना झूठ बोला है हिंदुस्तान में सरकार बनाने के लिए, जनता जान चुकी है कि ये मंडारी है, ये सपेरे हैं, तो इसलिए हर जाति का, हर धर्म का मुझे समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं लोग, वोटर नहीं सपोर्टर है। क्या अगली बार संसद में जाने वाले हैं आप? इंशाल्लाह संसद में पूरी जनता भेज रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मंत्री जी हाजी याकूब कुरैशी और भरोसा ये है कि जो भीड़ इनके साथ इस वक्त है वो वोट में भी तब्दील होगी। रफीक जी, विधायक है, शहर के विधायक है, रफीक जी से भी बात करूँ। रफीक जी, माहौल क्या है? सैलाब है, पूरा एक तरफा है, बीजेपी के खिलाफ पूरा देश इस बार संसद में जा रहे हैं, पूरा देश में सपा हो रहा है बीजेपी। तो प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? निश्चित गठबंधन का बनेगा, मायावती जी कोई भी गठबंधन का बनेगा ना, इसका तैयारी पूरी है, मतलब पूरा देश तैयार कराया जा रहा था, इंतजार कर रहा है वोट डालने का। अब चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, जमीन पर किस तरीके से काम करना है आप लोग? जमीन के हम तो रोज जमीन पे काम करते हैं, फिर निकलता है चुनाव में कूद जाते हैं, लड़ते लड़ते सो जाते हैं, ये 5 साल में लड़ते हैं तो रोज लड़ते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक और नेता मौजूद है, आपका नाम? ठीक है, जो याकूब जी ने, रफीक जी ने कहा वही मेरा वर्जन। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पर महागठबंधन पूरे तरीके से
मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम महागठबंधन के इस सैलाब में पहुंचे थे जहां पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहां पर मंत्री जी भी मौजूद हैं, शाहिद मंजूर भी यहां पर मौजूद थे। कुछ कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ आकर खड़े हो गए, इन सभी बात कर लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सैलाब जी, क्या माहौल है? समाजवादी पार्टी समाज पार्टी का बहुत अच्छा गठबंधन है और यहाँ से बहुत अच्छी वोटों से हाजी आपू कुरैशी साहब जीतेंगे और इंशाल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश से बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाजवादी पार्टी की बहुत सारी सीट आएंगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का इंशाल्लाह सफाया होगा। अच्छा, एक बार बताइए, आपके साथ मैदान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे, क्या कहीं असहाय तो महसूस नहीं कर रहे? मतलब कि एक अलग तरीके की स्थिति, पहले एक साथ नहीं थे आप लोग? नहीं, पहले देखो साथ नहीं थे, लेकिन अब साथ हैं और अब साथ होने के बाद में और दिलो जान से सब लेके हैं, इंशाल्लाह सब साथ बहुत अच्छा साथ है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? अनुपम कुमार। आप बताइए, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ के जो पर्सनल माहौल है, देश बदलाव चाहता है क्योंकि जो वादे मोदी सरकार ने करे थे युवाओं को ठगा गया है और जो रोजगार का वादा था 2 करोड़ सर वो नहीं मिला है और जो 15-15 लाख के वो भी जो है जुमला साबित हुआ है, तो देश बदलाव चाहता है और देश बदलाव के मूल में। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनने वाले? प्रधानमंत्री जो है तय करेंगे, वो सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें जो होगा वो बात की बात है, लेकिन जो युवाओं को ठगा गया है युवा उसको बदला जाएगा। चलिए, आप भी ठगे गए हैं, आप भी ठगे गए। अच्छा, सरकार ने आपको नहीं ठगा? अच्छा, इस बार क्या होने वाला है चुनाव? सरकार बदलने वाली है। सरकार बदलने वाली है? हाजी जी जाने वाले हैं संसद जी। हाजी जी देश हाजी जी संसद में जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपके मुद्दे उठाएंगे हाजी जी वहाँ जाकर? हाजी बिल्कुल पूरे मुद्दे उठाएंगे जी, बिल्कुल। तो उम्मीद है आपकी जगी हुई है। हाँ जी। चलो, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम आर्य भारती है और देश की जनता ये देख चुकी है बीजेपी सरकार किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रही है। धोखेबाज जुमलेबाजी की सरकार थी और जनता का मूड बदल चुका है। नोटबंदी से जनता बहुत परेशान है, व्यापार सबके चौपट है, जनता ये जान चुकी है, देख चुकी है। इस वजह से हर जगह गठबंधन के प्रत्याशी भारी भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। जाट भाई हो, दलित भाई हो, मुस्लिम भाई हो, हर वर्ग गठबंधन के साथ है। बीजेपी को बिल्कुल नकार देंगे, बिल्कुल एक तरफ फेंक देंगे। प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? प्रधानमंत्री है तो देखो माननीय अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, चौधरी अजीत सिंह जी, यानी कि गठबंधन के द्वारा जो भी मामला होगा तय होगा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके। जमीन पर किस तरीके से काम कर रहे हैं आप? जमीन पे बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है, सब दल मिलकर काम कर रहे हैं। देश का युवा और बुजुर्ग हर वर्ग मिलजुल कर काम कर रहा है, हर वर्ग समझ चुका है। ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपील करता हूं देश की जनता से, मेरा नाम आर्य भारतीय है, भारतीय मुस्लिम जोगी जागरूक मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं अपील करता हूँ तमाम जनता से कि आने वाले जो भी गठबंधन के प्रत्याशी है भारी भारी मतों से जिताने का काम करे। जय हिंद, जय समाजवाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय हाजी आप सारे नारे यही लगा दिए? हाजी आप मैदान में क्या लगाएंगे नारे? मैदान में बहुत कुछ होगा और बूथ पे भी इंशाल्लाह मजबूती से खड़े रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ हम मौजूद थे और चुनावी कार्यालय का लगभग उद्घाटन हो चुका है और हाजी याकूब कुरैशी इस वक्त मेरठ हापुर लोकसभा सीट से मैदान में है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं और तीसरी तरफ है महागठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी। ऐसे में देखना होगा जनता किसकी किस्मत बदलती है। कैमरामैन मोंटू सिंह के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, द भारत टाइम्स।